So hi everyone, welcome back. I hope you are enjoying your orientation session and I hope you are very fine. Today I have with me a very special person who is going to share some of the very important details regarding Siemens scholarship. तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। सीमेंस स्कॉलरशिप के बारे एकदम डिटेल में हम लोग पता करने वाले हैं। स्टाइपेंड कितना मिलती है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द स्कॉलरशिप। सो आई हैव विद मी, एज आई टोल्ड यू, अ वेरी स्पेशल पर्सन। सो प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ टू दिस ऑडियंस। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस कुमार फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बैच ऑफ 2K23 एंड आई एम अ सीमेंस स्कॉलर। So Prince, it was really a pleasure that you have come to share some very important details regarding the Siemens scholarship. He himself is a Siemens scholar and those who are going to avail for this scholarship, how to fill the scholarship and which all branch is eligible for this scholarship. So basically, हमें first of all एक registration forms fill करना पड़ता है जिसमें हमें basic details देना पड़ता है, जिसमें आपके 10th and 12th के marks, percentage एंड आप करेंटली किस कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, आपका ब्रांच क्या है, आप कौन से ईयर में हो एंड आपका एड्रेस क्या है, ये बेसिक डिटेल रहता है जो कि हमें फिल करना पड़ता है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर नेक्स्ट राउंड। एंड ब्रांचेस, व्हिच ऑल ब्रांच इज एलिजिबल? इस स्कॉलरशिप में टोटल 6 ब्रांचेस एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन। उसके बाद का प्रोसेस बता, टेल द प्रिंस, उसके बाद का प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व है? फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें जीमेल में नोटिफिकेशन आता है नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि आपका एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है जिसमें वो बेसिक सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, इंग्लिश सेक्शन, एप्टीट्यूड सेक्शन एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मशीन्स रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बेसिक होते हैं वो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब से। ओके, तो आपका मेल आएगा जीमेल पे, उसके बाद दे विल टेक द टेस्ट। उसमें 3 सेक्शंस रहता है, एप्टी राउंड, इंग्लिश सेक्शन और एक 10-12 का भी क्वेश्चंस रहता है और थोड़ा बेसिक जो भी ब्रांचेस से रिलेटेड, लाइक यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से भी कुछ कुछ सवाल होगा उसमें। एंड आफ्टर यू हैव गिवन द टेस्ट एंड द टेस्ट इज ऑनलाइन ऑन लैपटॉप एट होम, सेंटर नहीं पड़ता? ओके, तो टेस्ट आपका घर पे होगा, 3 सेक्शन रहेगा टेस्ट का। टेस्ट के जनरली कितने दिनों बाद इंटरव्यू के लिए दे कॉल यू और इंटरव्यू में व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे आस्क यू? टेस्ट के 1 महीने बाद वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन इन इंटरव्यू वो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आप ने 10-12 कहाँ से किया है, आप करंट कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं और जो आप करंट ईयर में पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड बेसिक से 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ओके, इंटरव्यू के बाद दे पब्लिश द रिजल्ट। इंटरव्यू के बाद होम वेरिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो आपके घर आके आपका घर देखते हैं और बेसिक से इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड इसके बाद वो फाइनल रिजल्ट पब्लिश करते हैं। ओके, तो गाइस, योर होम वेरिफिकेशन विल आल्सो टेक प्लेस, सो इफ यू आर थिंकिंग दैट दे विल प्रोवाइड द स्कॉलरशिप विदाउट द वेरिफिकेशन, देन यू हैव वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपका घर का वेरिफिकेशन होगा, पहला राउंड आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और तीसरा राउंड आपका घर का वेरिफिकेशन होगा। नाउ कमिंग टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अवेल दिस स्कॉलरशिप एंड BIT सिंधरी से कितना स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला था लास्ट ईयर और ऑल ओवर इंडिया से जनरली ईच ईयर कितना स्टूडेंट्स को मिलता है? प्रीवियस ईयर टोटल 300 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर सीमेंस स्कॉलरशिप एंड ओनली इन फ्रॉम BIT टोटल 19 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था सीमेंस स्कॉलरशिप के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। तो 19 बच्चों को BIT सिंधरी से भी ये स्कॉलरशिप मिला था। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें बेनिफिट्स क्या है और स्टाइपेंड क्या है स्कॉलरशिप का? स्कॉलरशिप में टोटल दो सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। पहला आपका एक अलाउंस सेक्शन रहता है जिसमें आपको 30K पर ईयर दिया जाता है एंड प्लस सेकंड ट्यूशन फीस जितना भी रहता है वो आपको रिम्बर्स किया जाता है। ओके, तो गाइस 14,000 आपका ट्यूशन फीस है BIT सिंधरी का पर ईयर, तो वो दे विल प्रोवाइड यू प्लस 30K पर ईयर स्टाइपेंड भी दे विल प्रोवाइड यू फॉर ऑल द 4 ईयर्स। ओके, व्हाट आर द पर्क्स? पहले ईयर में आपको
लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर गेटिंग फाइनल शॉर्टलिस्ट, शॉर्टलिस्ट होने के बाद हमें मुंबई बुलाया जाता है, जिसमें हमें स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ डायरी, आईडी कार्ड, पेन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही मुंबई का सारा खर्चा जितना भी रहता है सीवन स्कॉलरशिप द्वारा हमें मिलता है। ट्रेन टिकट से लेकर के वहाँ होटल एंड खाने पीने का सारा खर्चा वो संभालते हैं, इस सीमेंस स्कॉलरशिप के द्वारा दिया जाता है। एंड आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेगी सीमेंस। यस, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी सीमेंस प्रोवाइड करेगी, और इंटर्नशिप में भी फ्रॉम फ्लाइट टिकट टू ट्रेन बुकिंग टू होटल स्टे एवरीथिंग दे विल सी, आपका एक रुपया भी खर्चा नहीं होगा। तो स्कॉलरशिप तो सीमेंस प्रोवाइड करती है, ऊपर से आपका सारा चीज लाइक फोर इयर्स में आपको थर्ड ईयर में कंपलसरी इंटर्नशिप करना होता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप करो, क्योंकि उसका क्रेडिट पॉइंट रहता है 2 क्रेडिट पॉइंट। तो वो आप अगर सीमेंस स्कॉलर हो तो मुंबई में जाके 2 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हो, और उसमें आपका सारा खर्चा होटल स्टे से लेके फ्लाइट टिकट तक का सब सीमेंस दे विल सी इट, और दैट इज अ बिग बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सीमेंस स्कॉलर। आपका स्टाइपेंड तो 30,000 मिल ही रहा है, ऊपर से आपका ट्यूशन फीस भी दे आर सेइंग यू, तो और इंटर्नशिप भी ऑल्सो। सो पीपीओ और लाइक जॉब में कुछ बेनिफिट है ये प्रिंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसमें मतलब थ्रो सम लाइट ऑन दिस। थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर वो हमें इंटर्नशिप एंड थर्ड एंड फाइनल ईयर में वो हमें प्लेसमेंट के लिए मदद करते हैं। प्लेसमेंट के लिए हमें जो भी चीजें प्रोवाइडेड रहती है, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, इंटरव्यू पैनल को कैसे फेस किया जाता है, ये सारा प्रैक्टिस वो करवाते हैं। सो दे ब्रिंग आउट अ कंप्लीट स्टूडेंट आफ्टर 4 इयर्स, दैट इज द थिंग। यस, या सो आपको इंटर्नशिप से लेके स्टाइपेंड से लेके एवरीथिंग दे विल सी। एंड दैट वाज प्रिंस कुमार इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2023 batch, and he is a Siemens scholar, one of the bright student here on campus. And I hope you have got your queries cleared regarding Siemens scholarship. I hope you have covered every questions. And if you have any more doubt, you can write it down in the comment section. And Prince, it was really a pleasure that you have come to speak to the juniors about the scholarship. And we really appreciate that you have come to share some knowledge on this channel. And guys, thank you. And guys, thank you very much if you watched till the very end. And if you have queries, write it. Feel free to write it down in the comment section, and we'll be more than happy to tackle your queries. Thank you, guys. Bye bye. Take care. Have a nice day.